नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बॉक्स और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन संसद में मचे बड़े बवाल की। मोदी पर भारी पड़ रहे इंडिया ब्लॉक की, बीजेपी के जले पर नमक छिड़क रहे अखिलेश यादव की, अयोध्या में भाजपा की हार के बाद सख्त हुए सीएम योगी की, वायनाड को चिट्ठी लिखकर भावुक हुए राहुल गांधी की, जानेंगे क्यों घोषणाओं पर घोषणा कर रही है झारखंड की चंपई सरकार। बात करेंगे चीन और पाकिस्तान की नई करतूत की। बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में राहुल अखिलेश की जोड़ी कमाल दिखा रही है। इसके साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे आज कौन कौन सी सरकारी नौकरी निकली है और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको और भी करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा का सत्र हुआ शुरू। पीएम मोदी, राजनाथ सहित अमित शाह, गडकरी व शिवराज ने ली सांसद के रूप में शपथ। वहीं भर्तरी मेहताब बने प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने 18वीं लोकसभा के पहले दिन कांग्रेस के समय लगे आपातकाल पर बोला बड़ा हमला। कहा कि 50 साल पहले आपातकाल के कलंक ने संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कर सकेगा। 1 जुलाई से लागू होंगे आरबीआई के नए नियम, बदल जाएगा क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट का तरीका। दरअसल 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर आरबीआई के कुछ नियम लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान सोनिया समेत विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लहराई। राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी और अमित शाह संविधान पर कर रहे आक्रमण। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र हंगामे के साथ हुआ शुरू। कांग्रेस सांसद के सुरेश, डीएमके के टी आर बाबू और टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने नहीं ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर के रूप में मेहताब के निर्वाचन पर जताई आपत्ति। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना करेंगे काम, जनता ने नीति और नियत पर लगाई मुहर। संसद सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा कि देश को एक अच्छे विपक्ष की अपेक्षा, जनता को ड्रामा, उपद्रव और नारे नहीं बल्कि सार्थकता चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल ने लिखा वायनाड को पत्र, कहा कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं अजनबी था फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया, आपसे दूर होते हुए मैं उदास हूँ। संसद सत्र के पहले दिन ही मचा हंगामा। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष बोला नीट सेम सेम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, कहा कि अभी कोई आदेश लेना सही नहीं, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें। भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ रेट से कर रही दुनिया को हैरान। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः 6.9% और 7% की दर से बढ़ेगी। कितना भी बिगड़ जाए स्वास्थ्य पर नहीं उठूंगी, दिल्ली पानी संकट के खिलाफ अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा बयान। बोली कि जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक भूख हड़ताल पर ही बैठी रहूंगी। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण देना है संवैधानिक करार। 23,000 नियुक्तियां फंसी, युवाओं को फिर देना होगा एग्जाम, अगर पास नहीं हुए तो छोड़नी होगी नौकरी। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर उत्तराधिकारी बनाया, साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंपी। वहीं 47 दिन पहले पद से हटाकर कहा था कि अभी मैच्योर नहीं है। चुनावी मोड में आई झारखंड की चंपई सरकार, 16 दिनों में 8 बड़ी घोषणाएं की। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सौगात, हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली व 90 दिनों में 40,000 नियुक्ति देने की मंजूरी। HPSC में 805 और UP पंचायत में 4,821 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी। वहीं SGPGI में आवेदन करने का आज अंतिम मौका। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklert.in पर। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का पटना में भारी विरोध। हिंदू शिव भवानी सेना ने कहा कि बिहार में नहीं घुसने देंगे। सोनाक्षी सिन्हा को इस शादी को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बसपा के निष्क्रिय पदाधिकारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। पार्टी प्रमुख मायावती ने दिए कड़े निर्देश। नीट पेपर लीक मामले में टेरर फंडिंग का शक। महाराष्ट्र में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। नांदेड़ ATS ने लातूर में 1 को लिया हिरासत में। मातृत्व अवकाश से जुड़े नियमों पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नियमों में संशोधन के बाद अब सैरोगेट और पालक दोनों श्रेणी की माताओं को 180 दिन का अवकाश मिल सकेगा। इसके साथ ही पिता को भी 15 दिनों की छुट्टी का अधिकार होगा।
जीएसटी के दायरे में आने के बाद 20 रुपए तक घट जाएंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। जीएसटी में शामिल करने पर केंद्र सरकार कर रही है विचार। चीन और पाकिस्तान हुए बेनकाब, भारत में रच रहे थे बड़ी आतंकी साजिश, रडार से बचने के लिए आतंकियों को थमाया अल्ट्रासेट। राजस्थान की धरती उगलेगी सोना, बांसवाड़ा में मिला 222.39 टन सोना। भूकिया जगपुरा स्वर्ण खदान की हुई नीलामी, रतलाम की फर्म को मिला लाइसेंस, जिसके चलते देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान होगा चौथा राज्य। अडानी ग्रुप की 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग, चेयरमैन गौतम अडानी बोले कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। अयोध्या में भाजपा की हार के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने किए 5 बड़े बदलाव, पुराना मंदिर नहीं टूटेगा, वीआईपी कल्चर हुआ खात्म, एयरो सिटी प्रोजेक्ट भी थमा। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आ गया, वहीं 1 किलो चांदी 300 रुपए गिरकर 91,700 रुपए में बिक रही है। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आगाज होते ही आपस में भिड़े बीजेपी व कांग्रेस नेताओं की। जी हां, बीते दिन चुनाव के बाद पहली बार लोकसभा का सत्र शुरू हुआ और बीजेपी ने अपनी फिर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार विपक्ष ने भी बीजेपी की दादागिरी का करारा जवाब दिया, जिसके बाद मोदी ने भी स्वीकार कर लिया कि इस बार हमारे सामने मजबूत विपक्ष खड़ा है। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया है और पहले ही दिन से सत्ता पक्ष व विपक्ष सामने सामने आ गए। सत्र की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से मिलकर काम करने का आह्वान किया और कहा कि देश की जनता विपक्ष से संसद की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद करती है, न कि नखरे ड्रामा, नारेबाजी और व्यवधान की। परंतु विपक्ष ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उसे स्पष्ट हो गया कि सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्षी दल पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पीएम मोदी ने भी पहले ही दिन से लोकसभा में बवाल मचने की आशंका थी, जिसके चलते पीएम मोदी भी विपक्ष को उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आए थे। मोदी ने देश में चल रही नीट परीक्षाओं के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए 50 साल पहले के मुद्दे को छेड़ दिया। दरअसल लोकसभा में पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया था। इस दौरान मोदी ने कहा कि 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, संविधान के हर हिस्से की धज्जियां उड़ा दी गई थी, देश को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबा दिया गया था। आपातकाल के समय की बात करके पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश की। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सभी नव निर्वाचित सांसदों को बधाई देने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। उसके बाद अन्य मंत्री और सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष ने हल्ला बोल दिया और कहने लगे कि नीट नीट सेम सेम, यही यह पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। सत्र के आखिरी दो दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। मजबूत विपक्ष के आते ही मोदी सरकार की बैंड बजनी शुरू हो गई है। पहली बार जीत कर लोकसभा पहुंचने वाले अखिलेश यादव ने अनोखे अंदाज में एंट्री ली, जिसे देखकर बीजेपी के हाथ पांव फूल गए हैं। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आम चुनाव और केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद पहले संसद सत्र के पहले दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने अनोखे कदम से सबका ध्यान खींचा। दरअसल बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरने वाले अखिलेश यादव ने भी पहली बार लोकसभा में अपने कदम रखे, परंतु अखिलेश के ये कदम बीजेपी को गहराई तक चुभ रहे हैं, क्योंकि सपा के सभी 37 सांसद एक साथ संसद पहुंचे, जिसे देखकर बीजेपी को 400 पार के नारे पर फिरा पानी याद आ गया। साथ ही इस दौरान अखिलेश यादव ने एक हाथ में संविधान की प्रति और दूसरे हाथ में अपने एक सांसद का हाथ पकड़ा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीट से दो बार के भाजपा सांसद लल्लू सिंह को हराने वाला सपा सांसद अविदेश प्रसाद था। अविदेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने लोकसभा की पहली पंक्ति में अपने और राहुल गांधी के बीच बैठाया। इस तस्वीर ने एक बार फिर साफ कर दिया कि विपक्ष अभी भी एकजुट है। इस पूरी घटना की तस्वीर सुर्खियों में बनी रही और सियासी समीकरण के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव के साथ अविदेश प्रसाद के नजर आने को सपा का पीजीए रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
रहा है। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। संविधान की रक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर कांग्रेस ने अभी से अमल करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग के बाद राहुल व खड़गे 4 दिनों तक अलग अलग राज्यों के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे। तो ऐसे में क्या है कांग्रेस की पूरी रणनीति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से गदगद कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। बीते दिन झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्ट्रेटजी मीटिंग हुई, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी अगले 4 राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत झारखंड से होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे और राहुल के साथ मीटिंग करेंगे। खड़गे और राहुल 25 जून को महाराष्ट्र, 26 जून को हरियाणा और 27 जून को जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। हालांकि ये मीटिंग्स दिल्ली में होंगी या खड़गे और राहुल इन दोनों राज्यों का दौरा करेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित होकर काफी पहले से बैठकों की योजना बनाई है। आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।